हेलो एवरीवन, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया। साथ ही वो बांग्लादेश छोड़कर भारत में प्रवेश कर चुकी हैं और एक तरीके से शरण लेने की बात यहां पर सामने आ रही है। दूसरी तरफ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने के पश्चात बांग्लादेश में सैन्य शासन लागू हो गया है और वहां के सैन्य कमांडर के द्वारा शांति बहाली के प्रयास शुरू किए जा रहे हैं। लेकिन यह हिंसा क्यों हो रही है? तो देखा जाए तो कई दिनों या हम कहें महीनों से बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन हो रहा था। यह आंदोलन धीरे धीरे हिंसक होता गया और इस पर नियंत्रण काबू नहीं लाया जा सके। लेकिन इसके पीछे कई सारे सवाल हैं। यह आंदोलन क्यों भड़का? यह हिंसा इतनी ज्यादा कैसे भड़क गई कि यहां पर एक प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा? इसको लेकर के सैन्य शासन क्यों लागू हो रहा है? इस पूरी घटना का आज हम यहां पर विश्लेषण करेंगे। तो चलिए आइए समझते हैं ये पूरा मामला क्या है। तो सबसे पहले आइए नजर डालते हैं शेख हसीना। देखा जाए पीएम आवास यहां पर छोड़ चुकी हैं और इसको लेकर के खबर यह भी है जिसकी पुख्ता यहां पर जो उनके सैन्य प्रमुख है उनके द्वारा ये जानकारी को पुख्ता भी किया गया है कि बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन के हिंसक होने के कारण पीएम शेख हसीना ने सोमवार यानी कि आज के दिन 5 अगस्त को इस्तीफा दे दिया है। सेना जो प्रमुख है बांग्लादेश के जनरल वकार उज जमान ने इसकी पुष्टि भी कर दी है और उन्होंने ये भी कहा है कि अब सेना यहां पर कमान संभालेगी यानी कि सेना सरकार चलाएगी यानी कि सैन्य शासन लागू होगा। ढाका में देखा जाए तो हालात जो हैं बेकाबू हो चुके हैं और हालात अगर हम समझने का प्रयास अगर मैं आपको कहूं तो करीब 4 लाख लोग जो हैं इस समय सड़कों पर हैं, वो भी आपको ढाका में। राजधानी में देखा जाए तो जगह जगह पर हिंसा हो रही है, तोड़फोड़ की आपको घटनाएं देखने को मिल रही हैं। पीएम शेख हसीना जो है पीएम आवास को ये छोड़ चुकी हैं और न्यूज एजेंसी जो है AFP के अनुसार बताया गया कि प्रधानमंत्री ने ढाका छोड़कर किसी सुरक्षित जगह शिफ्ट हो गई हैं तथा उनकी बहन रेहाना भी उनके साथ बताई गई हैं। इस तरह की जो घटना है इससे जुड़े हुए अगर हम पहलुओं पर नजर डालते हैं तो जो खबर यहां पर यह भी निकल कर आ रही है कि हसीना जो है शेख हसीना मिलिट्री हेलीकॉप्टर से भारत पहुंच गई हैं और उनके पश्चिम बंगाल में होने की भी खबर आई है। दूसरी तरफ यहां पर कुछ खबर यह भी है कि कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों पुलिस के बीच झड़प हुई है, 6 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने तंगेल और ढाका के अहम हाईवे इलाकों पर यहां पे कब्जा भी कर लिया है। स्थिति अगर हम देखें पूरे बांग्लादेश में आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिलेंगी, जो जगह जगह पर आपको हिंसा या फिर आपको तोड़फोड़ की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। प्रदर्शनकारियों के द्वारा यहां पर देखा सरकारी कर्मचारियों को यहां पर उनकी हत्या भी की गई है, पुलिस थानों को यहां पर कब्जा कर लिया गया है, लोगों को मारा पीटा जा रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो कई सारे यहां पर जो फैक्ट्री और गोदाम इत्यादि हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। यहां तक कि बांग्लादेश की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी अपनी सारी कार्रवाइयां यहां पर रद्द कर दी हैं, सिर्फ इमरजेंसी कार्रवाइयों को ही यहां पर सुनने की बातें कही हैं। मामला इतना यहां पर संगीन है कि आप यहां पर देख सकते हैं कि वहां की प्रधानमंत्री को जाना पड़ा क्योंकि जो कह सकते हैं कि वहां पे जनता है वो पीएम आवास में घुस चुकी है, वहां पर उन्होंने कब्जा कर लिया है और स्थिति यहां पर बेकाबू हो चुकी है। अब आइए यहां पर हम देखें जो वर्तमान समय के घटनाक्रम अगर हम नजर डालें जो इस समय बांग्लादेश की आपको दिखाई देती है वो कुछ कैसी है वो देखें। बांग्लादेश में हिंसा से अब तक आपको देखा जाए तो करीब 300 यहां पर मौतें हो चुकी हैं, 300 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, 14 पुलिसकर्मियों की मॉब लिंचिंग के माध्यम से यानी भीड़ के द्वारा हत्या की गई है। 300 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो इस समय यहां पर घायल हैं, 11,000 से ज्यादा लोग यहां पर गिरफ्तार हैं और $10 बिलियन की इकॉनमी का बांग्लादेश को नुकसान हो चुका है। यह आंदोलन जो है एक यहां पर आरक्षण को लेकर शुरू हुआ जो कि बांग्लादेश की सरकारी नौकरियों में करीब 56% आरक्षण की यहां पर जो स्थिति है। आरक्षण जो इस समय गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर भारत में भी देखने को मिलता है, एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब में है, ऐसा ही कुछ आपको यहां पर बांग्लादेश में देखने को मिलता है। बांग्लादेश में अगर हम देखें तो 5% जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, 10% यहां पर महिलाओं को जो है आरक्षण है, 44% सामान्य वर्ग को आरक्षण है, 10% पिछले जिलों को आरक्षण है, 30% जो स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को आरक्षण है और 1% यहां पे दिव्यांग को आरक्षण है। जो मुद्दा यहां पर है स्वतंत्रता सेनानियों को दिए गए आरक्षण को लेकर के कहीं ना कहीं यहां पे चर्चा का विषय बना है और यही आपको आंदोलन का मुख्य मुद्दा भी बना है। कुछ मुद्दा यहां पे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया भाषण भी यहां पर है जो कि आपको इस मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से उनके द्वारा एड्रेस किया गया लोगों में हिंसा और भावनात्मक रूप से यहां पर उनका जो स्थिति थी वो और भी ज्यादा यहां पर विरोधी हो जाते हैं। पूरा मामला जो है एक तरीके से आरक्षण से जुड़ा हुआ है। आरक्षण की स्थिति की अगर हम बात करें, जो विवाद है, जो हिंसक हो चुका है वो क्या है वो भी समझ लीजिए। देखिए बांग्लादेश में 1971 में देखा है भारत की मदद से पाकिस्तान से आजाद होता है,
और इसी साल वहां पे 80% जो कोटा है वो सिस्टम लागू किया गया। बाद में कई बार इसमें बदलाव किए गए। 2012 में इसमें आखिरी बार जो बदलाव हुआ था उसके पश्चात करीब 56% यहां पर कोटा था, यानी कि आरक्षण था। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को जो है 30% आरक्षण दिया गया। पिछड़े जिलों को 10, महिलाओं के लिए 10, अल्पसंख्यकों के लिए 5 और विकलांगों को 1% आपको आरक्षण दिया गया। उसके बाद से लगातार इसको लेकर के अलग अलग समय पर विरोध होते रहे। 2018 में हम देखें 4 महीनों तक छात्रों के द्वारा यहां पर बांग्लादेश छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया गया। हसीना सरकार ने कोटा सिस्टम खत्म कर दिया, लेकिन बीते 5 जून को हाईकोर्ट ने सरकार को जो आरक्षण के संदर्भ में सरकार को फिर से आरक्षण देने का एक आदेश जारी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 2018 में पहले जैसा आरक्षण मिलता है उसे फिर से उसी तरह यहां पे लागू किया जाना चाहिए। और जैसे ही यहां पर ये डिसीजन आया उसके बाद से फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और सरकार ने इसे सख्ती से कुचलने की कोशिश की, लेकिन ये और भी ज्यादा यहां पे तेज होते चले गए। इसके बाद बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण देने के ढाका हाईकोर्ट के फैसले को पलट भी दिया। लेकिन मामला यहां पे समाप्त नहीं हुआ, बल्कि ये और भी ज्यादा यहां पे उग्र होता गया, जो कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के इस्तीफे को लेकर के यहां पर बातें होने लगी। जो वर्तमान समय की स्थिति है बांग्लादेश की, अगर हम उसको देखें तो आरक्षण को लेकर के 56% से घटाकर, जो वर्तमान पहले जो 56% आरक्षण था उसे घटाकर सिर्फ 7% कर दिया गया है, और इसमें से स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को 5% कोटा, एथनिक माइनॉरिटी ट्रांसजेंडर दिव्यांग को 2% कोटा दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने 93% नौकरियों को यहां पर देखा जाए तो अब योग्यता के आधार पर यानी मेरिट के आधार पर भर्ती की जाएगी, इस तरीके के यहां पर एक फैसला दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छात्रों को गुस्सा शांत नहीं हुआ और लगातार डिमांड करते रहे कि शेख हसीना इस्तीफा दें, और आज ये घटना इतनी ज्यादा यहां पर बढ़ गई, लोगों के द्वारा पुलिसकर्मियों को, पुलिस थानों को, सरकारी कर्मचारियों को मारा जाने लगा और यहां पर एक बड़ी भीड़ जो है पीएम के आवास में घुस जाती है। तब तक यहां पर उनको वहां से निकाला जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है और फाइनली यहां पर इस्तीफा दे दिया गया है, सैन्य शासन लागू हो रहा है और आने वाला समय बताया गया कि बांग्लादेश में यह कब तक लागू रहेगा और कब यहां पर एक नॉर्मल स्थिति लागू होगी, शेख पीएम जो है वो कब यहां पर वापस बांग्लादेश लौटेंगी और छात्रों का यह प्रदर्शन कब जाकर रुकेगा। आज के समय में इतना ही, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज को लेकर लगातार हम आपको डिस्कस करते रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।